सरकार तरफ से कुछ मिला ही नहीं, ना घर मिला, ना बाथरूम मिला, ना लेटरिन मिला, कुछ नहीं मिला। मिला कुछ नहीं, फिर भी आप वोट देंगे? हाँ देगा। आप उसको पूछते नहीं है कि तुमने पहले काम नहीं किया, महंगाई बढ़ा दिया है, वो सब पूछते नहीं है? वो कुछ बोलते ही नहीं है। गैस वगैरह महंगा हो रहा है, उससे कुछ परेशानी है आपको? परेशानी तो नहीं है। 800 रुपए आपसे आपको दिया अकाउंट में, और 900 रुपए का सिलेंडर ले लिया, वही तो वही हो। फायदा क्या है फिर? फायदा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? बोलिए फिर से बता दीजिए कहाँ से। मैं जगह का नाम भूल गया। मैं जगह का नाम भूल गया, कहाँ से? चंद्रपुर से जी। तो आपके भी अकाउंट में 500 रुपया आया है? 500 नहीं आया है पैसा, 830 रुपया। 830 रुपया कल किस चीज? अच्छा, एक 500 आता है, एक 830 आता है? नहीं नहीं नहीं, 500 नहीं आता, 800 रुपया, 830 रुपया आता है। और अरुणा सुनी 4 महीना हो गया दिया है, ये जाता है। बच्चे वगैरह कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जी मेरा सब शादी हो गया, 3 लड़की 1 लड़का था, सब शादी हो गया, सबका शादी। तो गैस वगैरह महंगा हो रहा है, उससे कुछ परेशानी है आपको? परेशानी तो नहीं है। गैस जो सरकार से देता है तभी एक ही दाम लेता है, जो खुद खरीद करके लो तभी वो एक ही दाम लेता है। नहीं समझा नहीं ये बात। मैंने समझा नहीं, मैंने अभी हम बाजार से खरीदा, दुकान से खरीदा, खरीद करके लिया, लेने का पीछे में तो सरकार से भी देता है कार्ड का हिसाब से, होलसेल का कार्ड होता है ना, फैमिली को महिला को देता है, मैंने वही दिया, देने का पीछे में एक ही दाम तो लेता है, तो प्रॉफिट हुआ किधर से? जो 800 रुपए आपसे आपको दिया अकाउंट में, वो 900 रुपए का सिलेंडर ले लिया, वही तो वही हो। फायदा क्या है फिर? फायदा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नहीं है। तो इस चीज को लेके आपको नहीं लगता कि सरकार को सवाल करना? सरकार तरफ से कुछ मिला ही नहीं, ना घर मिला, ना बाथरूम मिला, ना लेटरिन मिला, कुछ नहीं मिला। आता है काय खाते अपना विद्या है ना वोट का, और वोट देने आया, इतना ही आना चाहिए था, आया इतना ही, मगर कुछ नहीं मिला। मिला कुछ नहीं, फिर भी आप वोट देंगे? हाँ देगा। काय खाते हम लोग का पूर्व दे के आया ना, सत्तर जो दादा दादी नाना नानी सब दे के आया, तो देना ही तो। सबने बीजेपी को दिया? हाँ ना, कांग्रेस को दिया। अच्छा, वही तो मैं कांग्रेस को दिया। तो आप फिर क्यों दे रहे हैं? आप बीजेपी को क्यों क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं? अरे आप इनको बोलने इनको मारिए। नहीं मारने का भी वो बात नहीं है, मारने का भी बात है, बुआरी है तो वही बात बोलता है। जब क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आता है शौक से आके देता है, देखे जो होता है, जो दिल करता है उसी में देके चल अपना फर्ज निभा देता है। तो एक बार जब जीत जाएगा बीजेपी तो उसके बाद आप उससे सवाल कहाँ पूछेंगे? कहाँ पूछेगा, पूछने का टाइम नहीं मिलेगा ना, सब अपने अपने घर में बैठ जाएगा, वही तो मैंने मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं आएगा, जब नहीं जब मेंबर भी नहीं आएगा, वोट मांगने भी नहीं आएगा, कुछ पूछने नहीं आएगा, आज तक हमको वोट देना वही टाइम कोई नहीं आएगा। आपके यहाँ पे आप उसको पूछते नहीं है कि तुमने पहले काम नहीं किया, महंगाई बढ़ा दिया है, वो सब पूछते नहीं? वो कुछ बोलते ही नहीं है। हाथ जोड़ के चला जाएगा, मोक वोट दीबा हमको एक बार उठा देना, सब कुछ मिलेगा, बाकी कुछ घटिया नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये हाल है, वोट मांगने आते हैं उसमें भी हाथ वाथ जोड़ते रहते हैं, जो सामने बंदा होता है उसको बोलने नहीं दिया जाता। जैसे कि अमित शाह जी एक किसी के घर में जाकर उन्होंने खाना खाया था, और बाद में मालूम पड़ा कि जिसके घर में खाया था उसको ही बात नहीं करने दिया था अमित शाह से, ये एक रिपोर्ट आई थी सामने, जब न्यूज़ चैनल वाले जो रियल मीडिया है वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं।